हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सलवार की स्टिचिंग बताएंगे, क्योंकि इसकी कटिंग हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो देखिए, ये हमारी कलियां हैं चार, और ये हमारे पहुँचे हैं, और ये हमारी बेल्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी कलियां अपने पहुँचों में जॉइंट करेंगे, जो हमारे पार्ट हैं, जिनको हम पार्ट भी बोलते हैं। तो उसमें हम जॉइंट करेंगे अपनी कलियाँ। ये हमारा सीधा साइड है, और एक कली लेंगे हम अपनी। और यहां पे लंबाई में जॉइंट कर देंगे, इस तरह से जॉइंट कर देंगे कली। चारों कलियों को हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे। एक कली हमारी यहाँ पे आएगी, और एक कली हमारी यहाँ पे आएगी। तो एक पार्ट में हमारी दो कलियाँ आती हैं, तो चारों कलियों को हम दोनों पार्टों में इसी तरह से सीधी सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों कलियाँ जॉइंट कर दी हैं अपनी पार्ट में। अब हम एक तरफ का आसन जॉइंट करेंगे। ये हमारा सीधा साइड है, दूसरे पार्ट का भी हम सीधा साइड लेंगे, और इन सीधे सीधे को मिला के यहां से हम आसन जॉइंट कर देंगे। एक साइड का आसन इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए, हमने अपना आसन जॉइंट कर दिया एक साइड का। देखिए फ्रेंड्स, ये आसन जॉइंट कर दिए हमने। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे, और बेल्ट का सेंटर पॉइंट करेंगे। देखिए, ये हमारी बेल्ट का सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा खुला साइड है, और ये हमारी बेल्ट का सेंटर पॉइंट है। अब हम अपना आसन लेंगे, जो आसन हमने अपने जॉइंट किया है वो आसन लेंगे अपना, और यहाँ पे सलवार के बैक में 2 प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए, ये प्लेट्स हमारी इस तरह से आएंगी, ऐसे। इस तरीके से आएंगी ये हमारी प्लेट्स, ये देखिए ऐसे। ये बैक से हमारी बॉक्स प्लेट बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब अपने इस पॉइंट को हम अपनी बेल्ट के सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। ऐसे, और जो हमने 9 इंच पे जो निशान लगाया था, वहां से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना, जो हमने 9 पॉइंट पे निशान लगाया था। उस 9 इंच के कपड़े को हम छोड़ देंगे, और यहाँ से जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से सीधी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे ये देखिए, सीधी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये प्लेट्स हैं हमारे, जो हमने बैक में डाली हैं अपनी सलवार के में। और जो हमारा दूसरा, जो हमारी बेल्ट में जो दूसरा निशान जो हमने लगाया था 9 इंच पे, यहाँ पे इस कपड़े को छोड़ के यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ही सीधा करके इसमें पूरे में स्टिच लगा देंगे, इसी तरह से सिल देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पॉइंट आ गया है हमारा 9 इंच का, अब इस 9 इंच में हमारा जितना भी ये कपड़ा बचा हुआ है, इसकी हम प्लेट्स डालेंगे। तो ये जो हम प्लेट्स डालेंगे,
ये हम अपने से अपोजिट डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस तरह से डालेंगे, इस तरह से घुमाव करेंगे हम इनका, क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड है, हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारी प्लेट्स का मुंह इधर की साइड हो जाएगा, हमारी फ्रंट साइड हो जाएगा। इस तरह से एक फिंगर का हम गैप देंगे, इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे इसमें, ये हमारी प्लेट्स इक्वल इक्वल आएंगी। ये प्लेट्स हमें ना ही तो हमें ज़्यादा बड़ी डालनी है और ना ही ज़्यादा छोटी डालनी है, हमें ये 9 इंच के कपड़े में पूरी प्लेट्स कवर करनी है। तो इस तरह से डाल देंगे हम, देखिए यहाँ पे हम एक फिंगर का गैप देंगे, इस तरह से फिंगर रखेंगे यहाँ अपनी प्लेट्स के बराबर में, और यहाँ इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिंगर, देखो ये फिंगर, ये प्लेट है हमारी, इस कपड़े को यहाँ लेंगे और यहाँ पे फिंगर रखेंगे, ऐसे डाल देंगे प्लेट। इसी तरह से ये पूरी प्लेट्स डाल देंगे हम इक्वल इक्वल, इस तरह से फिंगर रखेंगे अपनी प्लेट्स के बराबर में और ये हमारी ऐसे आ जाएंगी। इस तरह से ये कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की प्लेट्स हमने डाल दी हैं, देखिए हमारी बिल्कुल इक्वल इक्वल आई हैं, देखिए बहुत सुंदर लग रही हैं ये। अब हम दूसरी साइड की डालेंगे, तो जितना हमने यहाँ पे स्टिच किया है सिंपल, इतना ही हम वहाँ पे स्टिच करेंगे दोनों दूसरी साइड। ये देखिए यहाँ पे भी इतना ही स्टिच करेंगे और ये प्लेट्स हम अंदर की साइड लेंगे। इसी 9 इंच में हम पूरे कपड़े की, जो ये हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है, पूरे कपड़े की इस 9 इंच में ही हमें प्लेट्स डालनी है। ये प्लेट्स हम अंदर की साइड लेंगे इस तरह से, वो हमने इस तरह से ली थी ऐसे, अपने से अपोजिट ली थी, ये हम अब अंदर की साइड लेंगे इनको। इस तरह से लेंगे अंदर की साइड, इनका गैप भी हम इक्वल इक्वल रखेंगे। ये देखिए यहाँ से साइड से पता चल जाएगा हमें कि हमारी प्लेट्स इक्वल हैं या नहीं। इसी तरह से इनको भी कंप्लीट कर देंगे, ये हमारी अंदर की साइड आएंगी ये प्लेट्स, इनको भी ना ही हमें ज़्यादा बड़ा डालना है और ना ही ज़्यादा छोटा डालना है, पूरे कपड़े पूरे 9 इंच के मार्जिन में हमको ये कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इनको भी कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहां तक हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड की प्लेट्स हमने डाल दी हैं, देखिए ये भी हमारी बिल्कुल इक्वल आई हैं। ये
ये देखिए ऐसे, इस तरह से आएंगी ये। अब हम अपना मार्जिन बेल्ट की साइड करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से ये पूरे में लगा देंगे, पूरी बेल्ट में लगा देंगे ये सिलाई। देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा दी है। अब इस पॉइंट को मिलाएंगे बेल्ट वाले पॉइंट को और ये अपना आसन जॉइंट कर देंगे। सिलाई लगा देंगे इसमें। और यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से हम 2 इंच के करीब छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 इंच के करीब छोड़ के हम बैक टैक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम प्लास्टिक या नाड़े के लिए बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से सिलेंगे इसको 1/2 इंच के करीब। फ्रेंड्स हमने यहां से इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहां हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहां पे हमारा नाड़ा आ जाएगा। अब इसी तरह से हम फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पूरा फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब हम इसके पोंचे बनाएंगे, तो पोंचों का हमने इसी में लिया था कपड़ा, ये देखिए जो हमने तिरछी कटिंग की थी इसी में लिया था पोंचे का कपड़ा हमने। तो हम पे टेट्रॉन लेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस पे टेट्रॉन, ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, देख रहे हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पोंचे में हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे किनारे किनारे पे। ये देखिए लगा दिए हमने अपनी पैटर्न इसमें। इसी तरह से हम दूसरे पोंचे में लगा देंगे और इसमें हम कोई भी डिज़ाइन बना देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सीधी सीधी सिलाई लगा सकते हैं।